नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अब इसमें क्या है, इस बहुपद से इसको भाग करना है और देखने कि क्या ये इसका गुणनखंड है। तो भाग करके देखेंगे, जैसे हम आम देखते हैं शेषफल 0 आ गया तो हाँ यह गुणनखंड है, शेषफल 0 नहीं आया तो यह भी गुणनखंड नहीं है। बड़ा सिंपल सा काम है और भाग आपने सीख ली है पिछले प्रश्न में। तो हम यहाँ भाग शुरू करने जा रहे हैं। देखिए अंदर है 2t की पावर 4। सबसे पहले यही चीज देखने की t की पावर है 4, t की पावर है 3, t की पावर है 2, t की पावर है 1, बिना टी वाली रकम, ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ t की पावर 2 और बिना टी, यानी सबसे बड़ी पावर सबसे पहले लिखी होनी चाहिए। ऐसा ही लिखा है इसलिए हम आगे कर रहे हैं, 2t² - 90 - 12, और यहां पर है t² - 3। आइए हम इसे हल करके देखते हैं। सबसे पहला काम बच्चों, रफ वर्क में मैंने आपको पहले भी सिखाया, सबसे पहला काम क्या है, प्रथम पद को इसके प्रथम पद से भाग कर दो। तो 2t से 2t कट जाएंगे, बाकी बच जाएगा t² 2 यहां पर है तो ये आ गया 2t² 2t² अब इस 2t² को पहले इससे गुना करेंगे फिर इससे गुना करेंगे। 2t² को 2t² से गुना करेंगे तो आ जाएगा 2t की पावर 4। उसके बाद इसे इससे भी गुना करेंगे, -(+-), 3 × 6 t². अब टी स्क्वेयर वाली रकम यहां नहीं आएगी, t² के नीचे आएगी। तो दोबारा देख लो, 3 × 6 t² और साथ में -(+-). अब हम इसे हल करेंगे। हल करने से पहले एक स्टेप और भी है, क्या, साइन चेंज करना। ये माइनस था प्लस बन गया, ये प्लस है ये माइनस बन गया, इससे ये पहली रकम कट गई। इसके बाद हमने ऊपर से उतारना है पहले t³ वाली रकम, 3t³। उसके बाद ये है -(+-), 6 में से 2 निकाले, 4t², साथ में साइन बड़ी रकम का, बड़ी रकम है 6, इसके साथ निशान है प्लस, -(90 - 12। अब हम फिर से पहले पद को पहले पद से भाग करेंगे। देखो पहला पद था 3t³, इसको पहले पद जो भाग हो रहा है, भाजक है उससे, वो है t², यहां 2t है वहां 1t, 3t है, एक कट गया, 1t बच जाएगा, साथ में ये 3 बच जाएगा तो ये आ गया 3t। इस 3t को हम यहां लिख देंगे +3t, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 3t को इन दोनों से गुना करेंगे, 3t को t² से गुना करेंगे तो पहले आ गया 3 और t को t² से गुना करा तो आ गया 3t³, और उसके बाद है -(+-), 3 × 3 9t, -9t, ठीक है बच्चों। अब हम इसे आगे हल करेंगे, लेकिन इससे पहले क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, वेरी गुड, ठीक है। ये प्लस था ये माइनस बन गया, और ये माइनस था तो ये प्लस बन गया, इससे क्या होगा, 3t³ -3t³ से कैंसिल हो गया, -90 + 90 से कैंसिल हो गई, तो बाकी हमारे पास बच गया 4t² और यहां से उतार दिया -12। अब फिर से वही बात, पहले पद को पहले पद से माइनस भाग कर दो, t² से t² कट गया तो बाकी क्या बच गया, 4। 4 को जब इस 4 को पहले यहां लिख दो, पहले यहां लिख दो, फिर इस +4 को पहले t² से गुना कर दो, इस +4 को पहले t² से गुना करेंगे तो बन जाएगा 4t². उसके बाद +4 को -3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा -12, ठीक है। अब इनके साइन चेंज होंगे, प्लस का बन जाएगा माइनस और माइनस का बन जाएगा प्लस, इससे 4t² से -4t² कट गया, -12 से +12 कट गया, बाकी हमारे पास शेष बच गया 0। अब बच्चों शेषफल यदि 0 है तो इसका अर्थ क्या है, अतः t² - 3 दिए गए बहुपद का गुणनखंड है।
ठीक है बच्चों, जिस प्रश्न में शेषफल जीरो नहीं आएगा उसमें आप लिख दोगे जो भी भाजक है यह दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, यही चीज हमने इसमें देखनी है, इसका हम दूसरा भाग देख लेते हैं फटाफट से। इसका तीसरा भाग भी है वो आप खुद से कीजिएगा, दूसरा भाग मैं आपको करवा रहा हूं। दूसरे भाग के लिए फिर से हमने भाग करके देखनी है। ये है 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 2। इसको भाग करना है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से। तो इसके लिए मैं फिर से थोड़ा सा रफ वर्क के लिए जगह बना लेता हूं, और सबसे पहले पहले पद को पहले पद से भाग करो, 3x की पावर 4 को एक्स स्क्वायर से, तो 2x से 2x कट जाएंगे, 2x बच जाएंगे, साथ में है 3x स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर यहां लिखेंगे। अब ये 1 2 3 तीनों से गुना होगा, ये तीनों से गुना होगा, 3x स्क्वायर जब x स्क्वायर से गुना होगा तो बन जाएगा 3x की पावर 4। उसके बाद प्लस 3 × 3 9 x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 9x³। उसके बाद है प्लस 1 × 3x² 3x² प्लस 3x² 3 × 1 3x² साथ में आ गया। अब सबसे पहला काम क्या है बच्चों, साइन चेंज करना, ये बन गया माइनस, ये प्लस था ये भी माइनस, ये प्लस था ये भी माइनस। ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखोगे आपकी कभी गलती नहीं होगी। और उसके बाद देखो 3x की 4 से 3x की पावर 4 कट गई, यहां प्लस माइनस माइनस, 9 में से 5 निकाला 4, साथ में x की पावर 3, साथ में बड़ी रकम का साइन वो है माइनस, यहां माइनस माइनस प्लस। अब ये प्लस नहीं देखना, ये माइनस देखना, माइनस माइनस प्लस 7 और 3 10x², साथ में साइन बड़ी रकम का माइनस, आगे से उतारा प्लस 2x प्लस 2। अब पहले पद को पहले पद से भाग कर दो, पहला पद है माइनस 4x³, इसको भाग कर दो पहला पद है x² से 3x में से 2x कट गया, बाकी 1x बच गया और साथ में माइनस 4, तो आएगा माइनस 4x। तो माइनस 4x हमने यहां लिखा, माइनस 4x को अब तीनों से गुना करेंगे, माइनस 4x को x² से गुना करेंगे तो आ जाएगा माइनस 4x की पावर 3, माइनस इंटू प्लस होगा माइनस, 3 × 4 होगा 12, एक्स इंटू एक्स होगा x². उसके बाद प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 × x 4x, साथ में साइन माइनस का। इसे अब हम हल करेंगे, लेकिन उससे पहले साइन चेंज, ये है प्लस, ये है प्लस, ये भी बन गया प्लस, देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। सबसे पहले 4x³ से 4x³ तो कट गया, बाकी हमारे पास बचा प्लस माइनस माइनस, 12 में से 10 निकाले 2x², साथ में साइन बड़ी रकम का प्लस, प्लस प्लस प्लस, 4 और 2 बन गया 6x साइन बड़ी रकम का प्लस, और आगे से उतारा 2। अब क्या करेंगे, पहले पद से पहले पद, इसके पहले पद को इसके पहले पद से भाग करेंगे, तो ये था 2x², इसको x² से भाग कर दो, तो x² से x² कट गया, बाकी रह गया 2, यानी प्लस 2, ये प्लस 2 यहां लिख देंगे, इसको इन तीनों से गुना कर देंगे, 2 × x² बन गया प्लस 2x², प्लस 3x × 2 बन गया प्लस 6x, प्लस 1 × 2 बन गया प्लस 2। अगली रकम में जाने से पहले क्या करेंगे, साइन चेंज, सारी चीजें याद रखोगे ना बच्चों, कहीं गलती नहीं होगी। प्लस का साइन चेंज किया माइनस, प्लस का साइन चेंज किया माइनस, प्लस का साइन चेंज किया माइनस, ध्यान से देखना, 2x² से 2x² कट गया, 6x से 6x माइनस 6x कट गया, प्लस 2 से माइनस 2 कट गया, सारी चीजें कट गई, रिमाइंडर क्या आ गया, शेषफल क्या आ गया, 0। ठीक है, अब क्या लिखे हम कि शेषफल बराबर है 0 के, अतः जो हमारा भाजक था x² प्लस 3x प्लस 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। यदि शेषफल 0 ना आता तो हम लिखते यह दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। अब बच्चों इसका थर्ड पार्ट एक और भी है, वो आप खुद से ट्राई करना, इसको अंदर और इसको बाहर रख के देखना, शेषफल 0 है तो बहुपद है,
शेषफल जीरो नहीं है तो बहुपद जीरो, बहुपद जो है वो गुणनखंड नहीं है। इसे आप खुद से ट्राई करना। थैंक यू।